हेलो स्टूडेंट, आज के बीए सेकेंड ईयर के एजुकेशन सब्जेक्ट के अंतर्गत हमने टॉपिक रखा है श्री अरविंदो जी के शिक्षा के उद्देश्य। श्री अरविंदो जी शिक्षा के बहुत बड़े समर्थक थे और उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से शिक्षा के कुछ प्रमुख उद्देश्यों को बतलाया है, उनके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले अरविंदो जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य हैं शारीरिक विकास व शुद्धि का उद्देश्य। उनका मानना था कि शरीरम खलु धर्म साधनम, अर्थात शरीर के माध्यम से ही धर्म की साधना होती है। तो अगर धर्म की साधना करनी है व्यक्ति को, व्यक्ति से तात्पर्य है बालक या बालिका को, तो निश्चित रूप से शारीरिक विकास का उद्देश्य शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने शारीरिक शुद्धि को भी महत्वपूर्ण माना है कि शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति के विचारों को शुद्धता प्रदान की जाए, अर्थात सकारात्मक विचारों को ग्रहण करने की शक्ति और क्षमता का विकास व्यक्ति के अंदर शिक्षा के द्वारा किया जाना चाहिए। उन्होंने दूसरा प्रमुख उद्देश्य बतलाया है ज्ञानेंद्रियों का विकास। वो मानते हैं कि दृष्टि, श्रवण, ध्यान और स्वाद जैसी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो व्यक्ति होता है या बालक या बालिका होता है, वह किसी भी वस्तु को देखता है, दृष्टि से देखता है, श्रवण से सुनता है, ध्यान से श्वास प्रश्वास का ज्ञान होता है उसको, और जीभ से उसको स्वाद जैसी अभिव्यक्ति का भान होता है। तो व्यक्ति की सभी प्रकार की ज्ञानेंद्रियों को सजग और सतर्क बनाने की आवश्यकता होती है, उनको सदुपयोगी बनाने की आवश्यकता होती है, और यह कार्य शिक्षा के द्वारा बालक और एवं बालिका को सिखाया जाना चाहिए। तीसरा उनका प्रमुख उद्देश्य है मानसिक विकास का उद्देश्य। इसके अंतर्गत वह मानते हैं कि शिक्षा के द्वारा बालक और बालिका में स्मृति, तर्क, चिंतन, कल्पना और निर्णय जैसे बिंदुओं पर मानसिक विकास को और भी अधिक विकसित और सक्षम बनाने का कार्य किया जाना चाहिए। चौथा उन्होंने शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बताया है नैतिकता के विकास का उद्देश्य, अर्थात शिक्षा वही है जो व्यक्ति को नैतिक बनाए, सदाचारी बनाए, सद्गुणों का आविष्कार करे, उनमें वृद्धि करे। ऐसी कोई भी शिक्षा जो व्यक्ति को अनैतिक बनाती है, कदाचारी बनाती है, वह शिक्षा नहीं है। बल्कि शिक्षा वह है जो व्यक्ति को सदाचारी बनाए, सद्गुणों से युक्त बनाए, व्यक्ति को नैतिक बनाए और नैतिक जीवन जीने के लिए सदैव प्रेरित करे। और नैतिकता का विकास संवेगात्मक पूर्णता के द्वारा ही संभव है, ऐसा उन्होंने बताया है। इसलिए वह संवेगों, संस्कारों, आदतों, स्वभाव और मानव प्रकृति के सकारात्मक विकास पर बहुत अधिक बल देते हैं। अब पांचवा उन्होंने प्रमुख बिंदु बताया है अंतःकरण का विकास। श्री अरविंदो जी शिक्षा के उद्देश्यों में अंतःकरण के विकास का उद्देश्य एक प्रमुख उद्देश्य मानते हैं, और इसके द्वारा वह चित्त, मानस, बुद्धि, ज्ञान के विकास को विशेष महत्व देते हैं। और वह कहते हैं कि व्यक्ति के शरीर को शुद्ध करके चित्त, मानस, बुद्धि तथा ज्ञान के द्वारा अंतःकरण का विकास किया जाता है, अर्थात बालक और बालिका के चित्त का विकास, मानस का विकास, बुद्धि का विकास और ज्ञान का विकास वह शिक्षा के द्वारा संभव मानते हैं। और इन चारों का विकास होने पर व्यक्ति के अंतःकरण का विकास होता है, इसलिए वह व्यक्ति के शुद्धिकरण के विकास को बहुत अधिक महत्व देते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, वह व्यक्ति को शुद्ध
करना ही शिक्षा का उद्देश्य मानते हैं। छठवां उन्होंने प्रमुख उद्देश्य बताया है आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य। वो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का धर्म के द्वारा आध्यात्मिक विकास किया जाना चाहिए ताकि व्यक्ति धर्म धार्मिक ग्रंथों में दी गई सदाचारी गुणों को अपनाकर अपने जीवन का विकास करें, अपने जीवन की उन्नति करें। सातवां उन्होंने शिक्षा का उद्देश्य बतलाया है विशेष क्षमताओं के विकास का उद्देश्य। अर्थात वो मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ विशेष शक्तियां या विशेष गुण या विशेष क्षमता होती है जो कि ध्यान से देखने पर हमें नजर आती है। अर्थात वो मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में यूनिक होता है अथवा विशिष्ट होता है और इसके द्वारा इस ज्ञान शिक्षा के ज्ञान के द्वारा किसी भी व्यक्ति की चाहे वो बालक हो या बालिका हो चाहे हम हो या आप हो सभी व्यक्तियों में विशेष शक्तियां गुण पाए ही जाते हैं। शर्त यह है कि शिक्षा के द्वारा उनको पहचाना जाए और शिक्षा के विकास के द्वारा उन शक्तियों को उन क्षमताओं को उन विशेषताओं को बाहर लाया जाए ताकि संसार उन शक्तियों क्षमताओं और योग्यताओं से लाभ प्राप्त कर सके। तो वो मानते हैं कि शिक्षा के द्वारा किसी भी व्यक्ति की बालक या बालिका की विशेष क्षमताओं का विकास किया जाना चाहिए। आठवां उन्होंने प्रमुख शिक्षा का उद्देश्य बतलाया है कि प्रेम तथा स्नेहपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए। बालक और बालिका के साथ बचपन से लेकर मृत्यु पर्यंत तक प्रेमपूर्ण स्नेहपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए किसी भी व्यक्ति के साथ। अगर आप किसी व्यक्ति से प्रेम पूर्वक या स्नेह पूर्वक वार्तालाप करते हैं व्यवहार करते हैं तो निश्चित रूप से आप उससे कुछ भी करा सकते हैं क्योंकि प्रेम और स्नेह के द्वारा ही किसी व्यक्ति को जीता जा सकता है। आप दंड के द्वारा डराकर धमकाकर या किसी भी व्यक्ति को शारीरिक मानसिक और आर्थिक हानि पहुंचाकर उससे आप कुछ भी नहीं करा सकते बल्कि प्रेम और स्नेहपूर्ण व्यवहार के द्वारा ही आप व्यक्ति के हृदय को जीत सकते हैं। इसलिए शिक्षा का यह प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए कि बालक और बालिका को प्रेम एवं स्नेहपूर्ण वातावरण में प्रेम एवं स्नेहपूर्वक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। नौवां उन्होंने प्रमुख शिक्षा का उद्देश्य बताया है व्यक्ति में देवीय शक्तियों या अंशों की प्राप्ति तथा उनका विकास। श्री अरविंदो जी मानते थे कि प्रत्येक व्यक्ति में दैवीय अंश होता है अर्थात देवताओं का अंश पाया जाता है। शिक्षा के द्वारा उस दैवीय अंश को पहचान कर उसे बाहर लाने और विकसित करने का कार्य किया जाना चाहिए। दसवां उन्होंने प्रमुख शिक्षा का उद्देश्य बताया है मानव का पूर्ण विकास। अर्थात वो कहते हैं कि शिक्षा के द्वारा प्रत्येक बालक और बालिका का पूर्ण विकास सुनिश्चित किया जाना चाहिए। पूर्ण विकास से तात्पर्य है सर्वांगीण विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पारिवारिक विकास, पर्यावरणीय विकास, भौतिक विकास, सभी प्रकार के विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, अंतःकरण का विकास, यानी इन सभी को अगर जोड़ दें तो अंतिम बिंदु बन जाएगा पूर्ण विकास। सभी प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा व्यक्ति को पूर्ण विकास की ओर प्रेरित किया जाना चाहिए, उसमें पूर्ण विकास सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यह शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है। अर्थात व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त कर ले, किसी भी प्रकार की कोई भी कमी उसमें दृष्टिगोचर ना हो। तो श्री अरविंदो के अनुसार शिक्षा के ये प्रमुख उद्देश्य बतलाए गए हैं जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण है व्यक्ति के शुद्धिकरण का विकास, व्यक्ति का नैतिक विकास और व्यक्ति का पूर्ण विकास। ये प्रमुख विकास के लक्ष्य उन्होंने बताए हैं, उद्देश्य बताए हैं जो कि शिक्षा के द्वारा पूरे किए जाने चाहिए।